हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पंजाबी मीडियम की मैथ्स के पेपर की सैम्पल पेपर की वीडियो डाली थी क्लास एट्थ की, अब मैं इंग्लिश मीडियम की लेके आई हूँ। यह है क्लास एट्थ का इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर फाइनल एग्ज़ाम्स का। ये टोटल 80 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि होंगे 1 से लेके 16 तक, और सारे के सारे 1-1 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपको एक सही ऑप्शन को टिक करना होता है। और सेकंड क्वेश्चन इसमें आया है ट्रू फॉल्स का, इसमें 7 ट्रू फॉल्स होंगे, सारे 1-1 मार्क्स के। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो होगा फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें भी 7 फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी और सारी होंगी 1-1 मार्क्स की। तो इससे आगे ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी, इसमें आपको जो ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ये आपने ऐसे ही करनी है। ये आपके मैथ्स में से भी हो सकती है और आपकी जनरल नॉलेज में से भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है पार्ट बी में 4 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे 2-2 मार्क्स के। और पार्ट सी में होंगे 6 क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के होंगे सब। इसमें ऑप्शन भी होएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन है और सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में ऑप्शन है। तो 12 क्वेश्चन है जो उसमें ऑप्शन आया हुआ है, और जो 13 क्वेश्चन है वो है आपका ग्राफ में से आया है। तो ऐसे ही जो पार्ट डी है हमारा, उसमें जो ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, पार्ट डी में सारे क्वेश्चन 6-6 मार्क्स के हैं और हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि 2 में से एक करना है, जैसे कि 14 क्वेश्चन में 2 में से एक करना है, वैसे ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में से एक करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर वाला, इसमें भी 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक करना है। और जो 16 वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, दोनों में से एक करना है। और इन सब में ये सभी आपको 6 मार्क्स के हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर